नमस्कार, जय आर सी एम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका रॉयल टीम के इस चैनल पे बने रहने के लिए। मुझे लगता है कि मैं एक सबसे शानदार टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हर आदमी के जहन में ये होता था कि सिस्टम और मजबूत कैसे बने, और मजबूत कैसे बने, और मजबूत कैसे बने। और सिस्टम को सबसे मजबूत बनाने वाले ऑप्शन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। इसी 9 जनवरी को रॉयल टीम के सारे टेक्निकल अचीवर्स को श्री त्रिलोकचंद छावड़ा जी ने आरसीएम वर्ल्ड भीलवाड़ा बुलाया था और पूरे दिन भर की ट्रेनिंग उन्होंने दी थी। इतना शानदार एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है कि वो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा कर देगा, आपके पूरी टीम को डिसिप्लिन में लाके खड़ा कर देगा। आप अपने बिजनेस के एक एक एक्टिविटी के बारे में घर बैठे पता लगा सकते हैं। अभी तक क्या होता था कि आपके नीचे 50, 60, 100, 200, 500 ज्वाइनिंग हुई और आपको पता ही नहीं चलता था कि उस ज्वाइनिंग का प्रपोजर कौन है, स्पॉन्सर कौन है और वो ज्वाइनिंग किस स्टेट से और किस डिस्ट्रिक्ट से आई है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ये बड़ा मुश्किल होता था पता लगाना, और ये उसके लिए और मुश्किल होता था जो अपने टीम के साथ दिन रात लग के काम करने की कोशिश करता था। अब क्या हो गया है कि आपके डाउनलाइन में कहीं से कोई भी ज्वाइनिंग होगी, उसका पूरा डेटा आपके सामने एक क्लिक पे खुल के आ जाएगा। हाँ जी, इतना शानदार एप्लीकेशन, इतना शानदार सिस्टम टीसी सर ने लॉन्च किया है कि उसको आप ऐसे समझ लें कि आपका फ्यूचर है, ये आपका फ्यूचर है। यानी कि आपकी एक एक एक्टिविटी आपके अपलाइन तक पहुंचेगी, आपके डाउनलाइन तक भी पहुंचेगी। जी, मैं बात करने जा रहा हूं एसओपी की। एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसको सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी बोलते हैं। शानदार। आप ये समझिए कि आपके साथ परमानेंट एक पीए चलेगा, पर्सनल असिस्टेंट। मतलब आपको किसके साथ वेलकम मीटिंग करनी है, किसकी अपनी दुकान की ओपनिंग करनी है, किसके साथ सेकेंड थर्ड फोर्थ मीटिंग करनी है, ए टू जेड आपको वो बताएगा। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं या सफल लोग हैं, जो सेलिब्रिटीज हैं, सबके साथ उनका पीए चलता है और वो पीए उनके पूरे जिंदगी भर के हिसाब किताब के बारे में उनके साथ चर्चा करता है। वो सुबह की शुरुआत, सर आपको कितने बजे उठना है वो बताता है, आपको कितने बजे ब्रेकफास्ट करना है वो बताता है, कितने बजे आपको घर से बाहर निकलना है वो बताता है, कितने बजे की फ्लाइट है, कितने बजे की मीटिंग है, यानी ए टू जेड। वो जो व्यक्ति है वो अपने पीए के हिसाब से चलता है, यानी जो उसका पीए बोलेगा वो करता है। और एक शानदार और बढ़िया पीए का होना आपके साथ बहुत जरूरी है। अब इतना रुपया तो आम आदमी के पास है नहीं कि वो पीए कोई हायर करेगा और उसको 20,000, 25,000, 50,000 लाख रुपए सैलरी देगा। तो आरसीएम सिस्टम ने, टीसी सर ने आपके मोबाइल को ही आपका पीए बना दिया, यानी एक शानदार सिस्टम लॉन्च किया एसओपी। अब एसओपी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हर टेक्निकल अचीवर के लेवल से एसओपी मिलेगी, यानी उसको ऑफिस मिल गई और वो अपने डाउनलाइन में किसी को भी सब ऑफिस दे सकता है। सब ऑफिस मतलब मेरे पास ऑफिस है, मैं अपने डाउनलाइन में किसी को भी सब ऑफिस दे सकता हूं, यानी कि एक ब्रांच खुल गई। अब उस ब्रांच पे ट्रेनिंग होगी, जिसको सब ऑफिस मिला है वो अपने नीचे ढेर सारे कोच बनाएगा। जैसे कि हरीश संजीवनी का कोच अलग हो गया एक्सपर्ट जो है, न्यूटी चार्ज का एक्सपर्ट जो होगा वो न्यूटी चार्ज का कोच हो जाएगा, जो वेलकम प्रोग्राम बहुत शानदार तरीके से करता है उसको आप पूरी टीम के लिए वेलकम प्रोग्राम करने के लिए आप कोच नियुक्त कर दीजिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका 1-to-1 बहुत अच्छा होता है, तो 1-to-1 जो करने में एक्सपर्ट है उनको 1-to-1 का कोच बना दीजिए। कुछ लोग हैं जो मंथली और वीकली मीटिंग लेने में एक्सपर्ट होते हैं, यानी कि जो जिसका एक्सपर्ट है आप उसका कोच बना दीजिए। अब क्या होगा कि आपके नीचे जैसे ही कहीं से कोई ज्वाइनिंग आई, तो आप जब सब ऑफिस वाला खोलेगा तो उसके नीचे वो पूरा आईडी पासवर्ड, हाँ एसओपी तभी आप ओपन कर सकते हैं जब आपके टेक्निकल अचीवर ने आपको सब ऑफिस इशू किया हो। अगर अभी तक आपको ये ऑप्शन नहीं मिला है तो आप अपने टेक्निकल अचीवर से बात करिए और उनसे सब ऑफिस लेने का रिक्वेस्ट करिए। हालांकि वो उसी को देगा जिसको वो उसके मुनासिब समझेगा, तो आप थोड़ा सा डिसिप्लिन में आइए और सब ऑफिस जरूर लीजिए। और जिसके नीचे जितना ज्यादा कोच होगा उतना ही शानदार बिजनेस आपका होगा। तो सब ऑफिस क्या करेगा, वो कोच नियुक्त करेगा। अब जैसे नीचे कोई ज्वाइनिंग आई आपके शहर में, अब उसको क्या करना है कि उसके वेलकम प्रोग्राम के लिए
आप उस कोच को भेजेंगे जो कोच वेलकम प्रोग्राम करने में एक्सपर्ट होगा। अब वो उस नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उस व्यक्ति के साथ जाएगा जिसने उसकी ज्वाइनिंग कराई है और बकायदे टाइम लेके जाएगा। अब जैसे आपने 20 जनवरी का आपने उसको टाइम दिया कि सर मैं आपके घर आऊंगा, आपके साथ बैठ के मैं वेलकम प्रोग्राम पे चर्चा करूंगा, मैं आपका वेलकम करूंगा अपने बिजनेस में और इस सिस्टम पे ढेर सारे हम लोग बैठ के चर्चा करेंगे इस पे। अब आपने उसका टाइम ले लिया 20 जनवरी को दोपहर में 2:30 बजे। अब आपको क्या करना है कि जिसने उसकी ज्वाइनिंग कराई है उसके साथ आपको उसके घर 2:30 बजे पहुंच जाना है और पूरे फैमिली के साथ बैठ के पूरे सिस्टम के साथ सिस्टम के बारे में उनसे बात करना है, प्रोडक्ट के बारे में बात करनी है उनसे और उनका वेलकम प्रोग्राम करना है। वेलकम प्रोग्राम में आप उनका शानदार माला से स्वागत कर सकते हैं, अपनी सोन पापड़ी लेके जाइए, उसको पूरे परिवार के साथ बैठ के खिलाइए और उनको अपना बनाइए, उनको महसूस कराइए कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी इंडस्ट्री में उन्होंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है। ये हो गया। उसके बाद जिस भी कोच का वहां प्रोग्राम लगा रहेगा वो वहां अटेंड करने के बाद उसका फीडबैक क्या हुआ है वो उसमें पूरा रिटेन में लिख के सबमिट करेगा। अब सबमिट करने के बाद वो जो ऑप्शन होगा यानी जो आपने जिस तरीके से सबमिट किया है वो आपके टेक्निकल अचीवर के पास पहुंच जाएगा। इसी तरीके से जो अपनी दुकान ओपनिंग कराने का एक्सपर्ट है उसको उसमें लगाइए। जैसे आपने 25 जनवरी को किसी की ओपनिंग कराने का आपने डेट ले रखा है कि 25 जनवरी को हमें आपकी अपनी दुकान ओपनिंग करानी है, तो उसका टाइम ले लिया आपने, रिमाइंडर में डाल दिया तो रिमाइंडर आपको बताएगा कि 25 तारीख को आपको यहां जाना और इतने टाइम पे आपको जाना है। तो क्या उसका रिजल्ट रहा वो भी आपको सबमिट करना है। अगर आप किसी के यहाँ फॉलोअप में जाते हैं पहली मीटिंग दूसरी मीटिंग तीसरी मीटिंग में उसका रिजल्ट क्या रहा वो आपको सबमिट करना है। और अगर पहले मीटिंग में बात नहीं बनती है तो नेक्स्ट मीटिंग आपने उनसे कब ली है तुरंत आप उस ऑप्शन में जाके उसमें फीड करिए। यानी आपके बिजनेस का पूरा डिटेल आपके SOP में रहेगा, आपकी रॉयल्टी अचीवर को पता रहेगा यानी जिसको सब ऑफिस मिला है और सब ऑफिस की एक्टिविटी क्या है वो टेक्निकल अचीवर को पता रहेगा और टेक्निकल अचीवर की जो एक्टिविटी है वो उसके अपलाइन में पता रहेगा। इसलिए ये जो बिजनेस है ये जो ऑप्शन है आपके बिजनेस को पूरा डिसिप्लिन में ला के रख देगा साहब। आप देखिए कभी आप TC सर से जब आप एकेडमी की बात करते हैं या किसी डेट की बात करते हैं तो जहां तक मैंने देखा है कि तुरंत अपना फोन निकालते हैं और डेट वेट पूरा एकदम फिक्स करते हैं, हाँ इतने बजे इस तारीख को इतने बजे हम आपके साथ ये मीटिंग करेंगे। आप देखिए जब एकेडमी में आप जाते हैं तो सर का प्रोग्राम 7 बजे होता है तो 6:55 जाते जाते वो हॉल में आ जाते हैं, फिर वो 9 बजे अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं, फिर उनका टाइमिंग 11 बजे से होता है, फिर वो 2 घंटे के लिए चले जाते हैं। जैसे अगर 11 बजे से उनकी टाइमिंग है तो वो 10:55 पे एकेडमी हॉल में आ जाते हैं। हम लोग कभी कभी सोचते थे कि यार ये लिखते भी हैं गाते भी हैं इतना बड़ा सेटअप भी चलाते हैं इतना सारा चैलेंज इनके सामने है लेकिन उसके बाद भी टाइम का इतना पंक्चुअल ये कैसे हो सकते हैं। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो आज से नहीं वो कई दिनों से SOP को फॉलो करते होंगे। एक हमारे साथ हैं हमारे बड़े भाई साहब हैं जो MBA किए हुए हैं, उनसे मैंने बात की SOP के बारे में तो उन्होंने बताया कि जितने भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उद्योगपति हैं सबके सब SOP को फॉलो करते हैं। और जब उनको मैंने बताया कि सर हमारे सिस्टम में भी SOP लॉन्च हो गया वो बड़ा खुश हुए। यानी कि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि आपका RCM बिजनेस पूरी तरीके से डिजिटल हो गया है और ये जो ऑप्शन है SOP अगर आपने सही तरीके से फॉलो किया तो यकीन मानिए आने वाले समय में RCM बिजनेस में जो SOP फॉलो करने वाले लोग हैं और जिनकी टीम पूरी तरीके से फॉलो करती है वो सच में ढेर सारी कामयाबी को प्राप्त करेंगे। हाँ ये याद रखिएगा अगर बार बार आपने SOP में रिमाइंडर डाला वेलकम प्रोग्राम के लिए अपनी दुकान के लिए या फॉलोअप के लिए और वहां आप नहीं जाते हैं वो आप मिस कर देते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ समय के बाद धीरे से आप ऐसे बार बार ये गलती करते हैं तो आपके लेवल से उस चीज को हटा दिया जाएगा, फिर आप एक साधारण डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ही काम कर पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप SOP को फॉलो करिए। मैंने तो शुरू कर दिया है, मैंने उसी दिन अपने अपलाइन के साथ अमृत शुक्ला सर के साथ उदयवीर सिंह साहब के साथ नीलेश कुमार दुबे जी के साथ बैठ के मैंने पूरी प्लानिंग की और मैं तो उस पे लग गया हूं। तो आपसे निवेदन है कि आप भी अपने टेक्निकल अचीवर से बात करिए और SOP के बारे में और सारी जानकारी इकट्ठा करिए। जहां तक मुझे जानकारी थी मैंने आपको बताया, आगे अगर कुछ और अपडेट आता है तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। आप टेक्निकल अचीवर से बात करिए, सब ऑफिस लीजिए और मन लगा के काम करिए, ढेर सारे बढ़िया शानदार कोर्स तैयार करिए और अपने बिजनेस को एक ऊंचाई पर लेके जाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। JRCM।